हाय देखो अरुणाचली लोग ऐसे मेहनती होते हैं। वाओ गुड गुड गाधुम ओ गाइस हम लोग आप पहुंचे हैं फाइनली नौमारा जाएंगे थोड़ा देखो रास्ता दिखता नहीं फिर भी चला लेते हमारा ड्राइवर लोग खाई में गिर गया था टाटा बाय बाय ओ माय गॉड ये सब झाड़ू है ना नजारा देखो ए सच में कैसे लेके जा रहे हो गाइस आज हम आए हैं नौमारा पे जाके ये पिकनिक स्पॉट है तो आज हम लोग दोस्तों के साथ आए हैं और आज यहाँ पे हम लोग मजा करेंगे आज का स्पेशल है दारू और उतना सेम है गाइस और भी यहाँ पे और भी है दिखाए दिखाए ये अंदर जो है ये नहीं दिखाएंगे गाइस क्योंकि वो हमारा सीक्रेट है अंदर अगर दिखा दिया तो ये ब्लॉग फट जाएगा फट जाएगा जहाँ पे पूरा ग्रीन वाटर है वहाँ पे जाएंगे क्योंकि वहाँ पे ज्यादा गड्ढा रहता है तो हम लोग स्विम करेंगे और सब कुछ देखेंगे आज गाइस मजा आ रहा है यहाँ पे बहुत दिनों के बाद मतलब सालों के बाद आ रहे हैं यहाँ पे इसलिए बहुत मजा आ रहा है गाइस पूरा बोलो ही मत तो गाइस अभी मैं जाऊंगा स्विम करने के लिए भगवान से पानी से भगवान जानता तो देखिए तुम जगह समय तो बने ना हेलो तो गाइस अभी हम लोग आईफोन का टेस्टिंग करने वाले हैं वाटरप्रूफ है कि नहीं है ठीक है ठीक है गाइस अब जाएंगे और नहाएंगे पूरा अब थोड़ा हम लोग नहाते रहेंगे ठीक है गाइस अभी ये लोग को थोड़ा स्विमिंग सिखाना है मुझे तो अब जाता हूँ थोड़ा मोबाइल रखते हैं और इंजॉय करते हैं फिर बाद में मिलते हैं गाइस सालों के बाद स्विमिंग करने के लिए उतरा हूँ मैदान पे तो थोड़ा थक गया हो तो अब जाएंगे स्विमिंग करेंगे ठीक है गाइस गुड इवनिंग गाइस हेलो हाय हम लोग आए नौमारा फर्स्ट डूबी प्रथम डूबी तो अभी हमारा इधर देखिए दोस्तों हमारा ये यूट्यूबर सुरेश थापा क्लाइंबिंग कर रहा है सो देखिए हमारा कोई मोबाइल आ रहा हूँ चलाई धरन तो दोस्तों ये जो है मुनि कुमार और ये शंकर इतना बार आते हैं यहाँ पे लेकिन कभी भी स्विमिंग नहीं किया तो आज इसका ट्रेनिंग चल रहा है इन लोगों का देख सकते हो जीते भाई हिलू गाधु बोलो गाधुम हेलो गाइस अब हम लोग नहा चुके हैं नहा धो कर पूरा खा पी कर रेडी अब हम लोग रिटर्न होते हैं यहाँ से और आपको मैं दिखाऊंगा गाइस यहाँ पे जो ब्रिज है ये जो है बेम्बो का है ना ब्रो स्टील का है चले ऊपर जाते और आप लोगों को दिखाते हैं क्या का है कैसे बनाया गया है देख सकते हो इतना अच्छा नजारा है यहाँ से और से जाम मरना है
दोस्तों अभी हम लोग ब्रिज के ऊपर और आप लोग देख सकते हो यहाँ का ब्रिज का नजरिया देखिए और यहाँ से देख सकते हो ऊपर पूरा पहाड़ है जो कि बहुत ही शानदार है। अभी हम लोग ब्रिज में हिलते हुए क्योंकि यहाँ से ज्यादा देख सकते हो पूरा हिल रहा है, ऐसा अगर हिलाएगा तो इधर से पार होने में बहुत ही दिक्कत होता है गाइस। हम रुकाने का कोशिश कर रहे हैं, आप आइए। किंगफिशर किंगफिशर जा रहा है। अरे हाय हाय, देखो अरुणाचली लोग ऐसे मेहनती होते हैं। वाओ गुड गुड। तो गाइस यहाँ के लोग जो है यहाँ से सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्योंकि नीचे में पानी है तो उन लोगों को इस जगह से उस जगह से यहाँ तक लेने के लिए ये ब्रिज का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ से इस तरह का देखिए टूटा फूटा भी है जगह जगह पे, फिर भी उन लोग लेके चले जाते हैं। देख सकते हो किस तरह से मेहनत करना पड़ता है यहाँ पे। क्या लेके जा रहे हैं आप, क्या लेके जा रहे हो? कौन है? हम हाँ। सामान ले जा रहे हैं ना। कपड़ा सपड़ा। अच्छा अच्छा, का जीवनचर्या ऐसा ही है लाइक बहुत ही अच्छा भी है लाइक मज़ा भी है क्योंकि नेचुरल के बीच में रहकर अपना लाइफ गुजार करने के लिए बहुत ही मज़ा आएगा गाइस। तो हम लोग भी यहाँ यहीं पे देख सकते हो ये ऐसा ही जंगल में पले बड़े थे। तो गाइस अभी मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ का मेरा दोस्त को कैसा लगा आज का दिन, तो यहाँ पे आना है किस तरह से आना है सब बताएंगे। हाय हेलो, एक्चुअली ये नौवरा है, बहुत काफ़ी अच्छा सुंदर है, पिकनिक स्पॉट है। तो इस बार आप लोग जनवरी को आइए दिन बना के, ठीक है? काफी सुंदर जगह है, हम लोग का इधर का लोकल एमएलए है इधर, कुछ बोलना। हमारा नौमारा का झुलुंगा ब्रिज है ये, देख सकते हो गाइस सच में एकदम बहुत नेचुरली भी बहुत अच्छा प्लेस है, सच में वो है बहुत सुंदर एकदम। बहुत एंजॉय अच्छू लगा साथ दोस्तों लोग के साथ आज पार्टी वार्टी करके, सच में अच्छा लगा। और आशा करता हूँ कि गाइस आप लोग भी आइए और इसी जगह पे सच में देखने के लिए बहुत सुंदर नजारा है। बस इतने हो गया ना। ओके थैंक यू मनी कुमार, थैंक यू। नो हमारा प्लेस जो बिस्ना चार्ली अपना वाला डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से दूर कितना दूर है? आई थिंक 32-35 किलोमीटर। तो यहाँ पे एक वाइन शॉप है, अच्छा प्राइस में मिल जाएगा, सो यहाँ पे आके इंजॉय कर सकते हैं। बस क्या कर सकते हैं, और वही स्विमिंग कर सकते हैं, वो पी के तो और भी मजा करो, बस इतना ही कहना। तो ये जो लोकेशन है गाइस हमारा जो तीन खुटी से 6 किलोमीटर थोड़ा अंदर पड़ता है जहाँ की अच्छा रास्ता है, वहाँ से आ सकते हैं आप लोग क्योंकि ये जो पिकनिक स्पॉट भी है। जब जनवरी का टाइम से अब टाइम होने वाला है, दिसंबर जनवरी से पिकनिक खाने के लिए स्टार्ट कर लेते हैं ना, तब से यहाँ पे बहुत भीड़ रहता है। तो अभी यहाँ पे फिशिंग करना और जैसे कि वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को मारना सब कुछ मना है क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट में ऑलरेडी बोर्ड लगा के रखे हैं, तो वो सब मना है। लेकिन यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं, नहा धो सकते हैं, अपना जो चीज़ भी आप लोगों को खाना पसंद है लेके आके खा सकते हैं। सामने में बार भी है जहाँ से आप लोग अगर ड्रिंक्स करते हो तो वहाँ से लेके आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अरुणाचल का ड्रिंक्स मिलता है तो उसका प्राइस भी कम रहता है। तो कोई भी ड्रिंक्स करते हैं उन सब के लिए बहुत ही अच्छा है। जैसे कि जब मैं नहा रहा था पूरा बहुत दिनों के बाद, लाइक स्विमिंग नहीं किया था बहुत दिनों के बाद पानी में, और इतना ठंडा पानी है गाइस तो बहुत ठंडा लग रहा था। लेकिन हम लोग उसके बाद जब खा रहे थे उस टाइम में धूप में बैठ के किया था, पूरा अभी फ्री हो गया, मतलब बहुत फ्रेश हो चुका हूँ मैं। तो अगर गाइस आप लोगों को पसंद है ऐसा नेचुरल प्लेस में आना और कुछ इन्जॉयमेंट करना दोस्तों के साथ, तो आप लोग आ सकते हैं और यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। गाइस आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नए नए ब्लॉग का अपडेट आप लोगों के सामने सबसे पहले आप पहुँचे। बाय गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, टेक केयर गाइस।